पिछले साल 2019 में मेरी साइट पे 35 मिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक आया, और उसमें से 75% का जो ट्रैफिक था वो ऑर्गेनिक था, जो गूगल ने मुझे दिया था। अगर आप भी अपनी साइट पर फ्री में गूगल से अनलिमिटेड ट्रैफिक लेके आना चाहते हो ब्लॉगर की एडवांस सेटिंग्स को यूज़ करके, तो ये वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहें। हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल वेब बीस्ट। गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी की सारी जो SEO लेवल सेटिंग्स हैं जिसे आपको अपनी साइट पर करना चाहिए, चाहे वो ब्लॉगर पे हो चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, जिससे आपकी साइट को बूस्ट मिलेगा गूगल की टॉप पोजीशंस पे रैंक करने के लिए। एंड उन्हीं सेटिंग्स को यूज करके मैंने भी अपनी साइट्स को बहुत ज्यादा ग्रो करा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो, तो उस रेड सब्सक्राइब के बटन पे उंगली मारो या पंजाब, मुझे नहीं पता लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। और इस वीडियो को गाइस लाइक टारगेट रखेंगे 359 लाइक्स, तो जल्दी से उस लाइक का बटन भी दबा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी ही SEO के रिलेटेड वीडियोस लाने के लिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको पहले बता देता हूं कि मैं बताने क्या वाला हूं ताकि आप लोग कोई पोर्शन इंपॉर्टेंट मिस ना कर दो। सबसे पहले मैं आपको सारी की सारी जितनी भी SEO की सेटिंग्स हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे वो आपका 404 एरर हो या फिर आपको रीडायरेक्शन कैसे करना है, एंड आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स को कैसे अपनी साइट में डालना है ताकि आपकी साइट आपके टारगेट कीवर्ड पर रैंक कर सके गूगल पर, एंड इसके अलावा जितनी भी सेटिंग्स हैं जो आपको अपनी साइट पर डेफिनेटली करनी चाहिए जिससे आपकी साइट इंडेक्स हो जाए गूगल पे, एंड इंडेक्स होने के बाद आपकी साइट टॉप पर भी रैंक करना स्टार्ट कर दे। सारी की सारी डिटेल्स वीडियो में है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इत्मीनान से बैठे रहें और वीडियो को देखते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारा ब्लॉगर का अकाउंट खुल चुका है, मैं आपको एक बार अपना ब्लॉग खोल के दिखा देता हूं। ये मैंने ऑलरेडी पुराना एक ब्लॉग खोल के रखा हुआ है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एडवांस्ड SEO सेटिंग्स आप कर सकते हो ताकि आपके जो ब्लॉग की पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर रैंक कर सके एंड आपकी साइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए। तो उसके लिए यहां पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक करना है और बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी सेटिंग्स ब्लॉगर ही आपको प्रोवाइड करता है। एंड जितनी भी मैं सेटिंग्स आपको बताने वाला हूं हर एक सेटिंग को ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे कर दोगे तो शायद आपको बहुत सारी एरर आने लग जाए, फिर आप कमेंट्स में बोलोगे कि सर आपने मुझे बताया नहीं पहले। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया कि भाई वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि यहां पर ये जो सेटिंग्स में हम चेंजेस करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं भी आपने कुछ गलत सेटिंग चूज कर ली तो उसके बाद शायद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाए, शायद आपका ब्लॉग इंडेक्स ही ना हो, तो ये चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज है भाई, दैट इज टाइटल। अब टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर अपना जो फोकस कीवर्ड है आपको उसको डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। जैसे यहां पर ये जो मैं टेम्परेरी ब्लॉग ले रहा हूं, इसका जो फोकस कीवर्ड है दैट इज बदमाशी स्टेटस। अब आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे जाना है, जो आपका फोकस कीवर्ड है आपको उसे एक बार सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको जस्ट नीचे स्क्रोल करना है, नीचे स्क्रोल करते ही आपको यहां पर बहुत सारी सजेशंस दिखेंगी जो कि एक्चुअल में गूगल पर सर्च होती हैं, एंड आपको उन्हीं में से ही कोई बेस्ट रिजल्ट देखना है जो आपके टाइटल को सूट करता है। यहां पर अगर मैं देखूं तो पंजाबी बदमाशी स्टेटस है, बदमाशी स्टेटस पंजाबी, बट मैं इसको थोड़ा सा इंडिया लेवल पे रखना चाहता हूं, तो इसके लिए जो बदमाशी स्टेटस 2020 है दैट इज परफेक्ट, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो गाइज, मैंने यहाँ से एक कीवर्ड कॉपी कर लिया, अब हम जाएंगे ब्लॉगर पे, एंड ब्लॉगर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल के यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको जो भी लिखा हुआ है उसको डिलीट करके यहाँ पर जो आपका कीवर्ड आपने कॉपी किया है उसे हम पेस्ट कर देंगे। तो गाइज, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया बदमाशी स्टेटस 2020 बेस्ट बदमाशी स्टेटस फॉर व्हाट्सएप। आप अपने कीवर्ड के हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन कौन से यहाँ पर टाइटल में कीवर्ड स्टफ करने हैं, एंड मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपका जो टाइटल है वो बिटवीन 50-60 वर्ड्स ही रहे, एंड अगर आप इतना रखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गूगल में, क्योंकि गूगल इतना ही प्रेफर करता है एंड इतना ही शो करता है अपने रिजल्ट्स में। एंड जितना हो सके आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ही डालें जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। टाइटल डालने के बाद हमें यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, सेव चेंजेस पर क्लिक करते हमारा टाइटल सेव हो जाएगा। तो गाइस, टाइटल डालने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज हमें डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट पे क्लिक करते हमें यहाँ पर 500 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पर आपको अपना जो भी बेस्ट कीवर्ड्स हैं उसके साथ ऑप्टिमिस्टिक अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है ताकि आपकी साइट के बारे में जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो बंदे को पता चल जाए, गूगल को पता चल जाए कि आपकी साइट किस टॉपिक के बारे में। जैसे ये साइट मेरी बदमाशी स्टेटस पर है तो आपको अपने फोकस कीवर्ड के हिसाब से डिस्क्रिप्शन देनी है। तो गाइस, मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको बस सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो सेव हो जाएगी। टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी साइट की SEO करने में, एंड इसीलिए इसको आपको ध्यान से करना है। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज करनी है दैट ये
प्राइवेसी का जो सेक्शन है यहाँ पर, अगर आपका विजिबल टू सर्च इंजन है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर यहाँ पर नो है तो आपको यहाँ पर इसे येस पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सेव चेंजेस कर लेने। यही रीजन रहता है, बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि सर मेरी साइट इंडेक्स नहीं हो रही, 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन साइट गूगल पर ही नहीं आ रही है। उसका ये रीजन रहता है कि ड्यू टू सम रीजन आपका जो प्राइवेसी है वहां पर नो सिलेक्ट हो जाता है, तो आप इसको अगर येस कर देंगे तो आपकी जो साइट है वो गूगल पर इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज ब्लॉग एड्रेस। यहां पर हम जो गूगल का जो सब डोमेन मिलता है blogspot.com उसको यूज करने, लेकिन अगर आप यहां पर एक कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लें इस वीडियो के बाद। अगर आप अपने ब्लॉगर के साथ एक कस्टम डोमेन को ऐड करना चाहते हैं जो कि GoDaddy, Namecheap या फिर कहीं से भी आपने खरीदा है, उस डोमेन को आप ब्लॉगर पर होस्ट करवा सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सारी की सारी डिटेल्स उस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। इसके बाद आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, जो भी सेटिंग्स है आपको ऐसी रहने देनी है, एंड उसके बाद आपको जाना जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग पर। इस पर जाएंगे तो गाइस यहां पर हमें जो सबसे पहली सेटिंग मिलती है, दैट इज बहुत बंदे मुझे भाई कमेंट्स में बार बार पूछते हैं सर मेरी साइट पे सिर्फ 3 पोस्ट दिखती है, एक पेज में मुझे 10 दिखानी है, 20 दिखानी, 25 दिखानी, तो उसकी सेटिंग यहां पर आती है। यहां पर शो एट मोस्ट का दिया हुआ है, यहां पर 7 बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर आप अपने पेज पर 7 पोस्ट दिखाना चाहते हो यहां पर 7 रहने दे, अगर आप 10 पोस्ट दिखाना चाहते हो तो 10 रख सकते हो, अगर आप 5 दिखाना चाहते हो ड्यू टू सम रीजंस तो आप 5 भी दे सकते हो। एक पेज पर आप जितना कंटेंट देना चाहते हो, जितनी पोस्ट देना चाहते हो, आप वो चीज यहां पर अगर मेंशन कर देंगे तो जो आपका साइट है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। तो मैं यहां पर इसे 10 कर देता हूं। इसके बाद हम सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, जो भी अभी तक हमने सेटिंग करी है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, दैट इज शो केस इमेजेस विद लाइट बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट पर कोई इमेज आपने दी हुई है, कोई भी बंदा अगर उस इमेज पर क्लिक करे तो एक ओवरले पॉपअप सा खुले जिसमें उसे इमेज वो अलग से दिखेगी। सपोज आपने कोई इमेज दी थी जिसमें बहुत सारा इंफोग्राफिक्स है, जहां पर वो इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो इमेज को देखने के लिए ही लोग आपकी साइट पर आ रहे हैं, तो उसके केस में आपको यहां पर यस कर देना। अगर आप नहीं चाहते हो कि बंदे क्लिक करें तो कुछ ना हो, तो उसके लिए आपको यहां पर नो कर देना। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो, दोनों के अलग अलग यूज केसेस हैं, मैंने आपको वो बता दिए। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज यहां पर आती है, दैट इज कमेंट्स। अब कमेंट्स में आपको दिख रही है भाई लोकेशन, तो लोकेशन में आप इसे एम्बेड ही रहने दें। कौन कमेंट कर सकता है आप पर डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हो। अगर आप अपने साइट पर स्पैमी कमेंट्स चाहते हो कि भाई कोई भी आ रहा है कहीं से भी उठ के वो कमेंट कर दे, तो आप एनीवन कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन में आप यही करना कि भाई यूजर विद गूगल अकाउंट्स, भाई किसी का जीमेल होगा तो वो कमेंट कर पाएगा, तो आपको भी पता चलेगा कि आपका यूजर बेस आ कहां से रहा है। उसके बाद यहां पर आपको कमेंट मॉडरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप ऑलवेज कर दो, एंड ऑलवेज के बाद आपको यहां पर ईमेल पूछेगा कि भाई कहां पर आपका ईमेल आना चाहिए मॉडरेशन के लिए, तो उसको मैं यहां पे भर देता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर ईमेल दे दिया। अब क्या होगा कि जब भी कोई बंदा मेरी साइट पर कमेंट करेगा तो उसके बाद एक मुझे मेल आएगा, जब तक मैं उसे अप्रूव नहीं कर देता हूं उस कमेंट को तब तक वो कमेंट पब्लिश नहीं होगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि बहुत बार जैसे आप लोग भी किसी की साइट पर जाते होंगे एंड वहां पर जाकर स्पैमी कमेंट करते हो कि भाई मेरी साइट पर आ जाओ, अपनी साइट का लिंक छोड़ दिया, तो वही चीज बाकी भी करेंगे आपकी साइट के साथ। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये प्रैक्टिस बेस्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी बंदा अगर आपकी साइट पर कमेंट करता है तो विदाउट योर कंसेंट वो चीज पब्लिश नहीं होगी आपकी साइट पर। और आप देख सकते हो कि अगर बंदे ने ठीक लिखा है आपकी साइट के बारे में और ज्यादा स्पैमी नहीं किया है तो आप उस चीज को पब्लिश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो कमेंट स्पैमी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, तो वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, दैट इज कमेंट फ्रॉम मैसेज। अब यहां पर क्या होता है कि कमेंट्स के जस्ट ऊपर आपको एक मैसेज मिलता है जो आप अपने यूजर्स को बताना चाहते हो अपनी साइट के बारे में, अपने बारे में, ताकि वो उसके रिस्पेक्ट में कमेंट्स कर सके, तो यहां पर आप वो टेक्स्ट दे सकते हो। तो गाइस मैंने यहां पर दे दिया, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। कोई भी बंदा कमेंट करने जाएगा उसके ऊपर ये कमेंट के मैसेज आ जाएगा, एंड ये चीज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको यहां पर सेव सेटिंग पर क्लिक करना है, एंड इस पेज की भी हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, दैट इज ईमेल। यहां पर आपको एक सेटिंग चेंज करने है कि कभी भी आपकी साइट पर कमेंट कोई आए तो उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाना चाहिए आपकी मेल आईडी पर, तो मैं वो चीज ऐड कर देता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर मेल ऐड कर दिया, आप अपना खुद का मेल ऐड कर सकते हो ताकि कभी भी आपकी साइट पर कमेंट आए तो वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको पता चल जाए कि भाई किसी पर्टिकुलर बंदे ने कमेंट किया है। सपोज आपकी कोई होस्टिंग रिलेटेड वेबसाइट है, वहां पर किसी बंदे को कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दैट होस्टिंग, तो अगर आप उस क्वेरी को जल्दी से रिजॉल्व कर देते हो तो बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि वो बंदा आपके रेफरल के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको अच्छा खासा रेफरल बोनस मिलेगा उस कंपनी के थ्रू जिसका आप होस्टिंग बिकवा रहे हो। तो कमेंट्स की नोटिफिकेशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जैसे यूट्यूब चैनल की कमेंट्स की नोटिफिकेशन आती है हमारे यूट्यूब ऐप में, वैसे ही ब्लॉगर भी आपको अथॉरिटी देता है कि आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दें। जैसे ही आपकी साइट पर कोई न्यू कमेंट आएगा उसका ईमेल सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर सेव सेटिंग्स करना है, एंड इस पेज पर हमें और कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेटिंग आती है दैट इज लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरे भाई लोकल लैंग्वेजेस में अपनी साइट्स बनाते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड रहती है, एंड अगर आपने कोई हिंदी में आप ब्लॉग बना रहे हो या फिर आप किसी और लैंग्वेज में ब्लॉग बना रहे हो, अगर आप कोई फॉरेन की एक लैंग्वेज को फोकस करके अपना ब्लॉग क्रिएट किया है तो यहाँ पर अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो गूगल आपके जो कॉन्टेंट है उसको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करेगा, एंड कभी भी कोई बंदा आपकी साइट पर आएगा तो फिर वो बहुत बेकार सा यू आई उसे दिखेगा। एंड ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारी साइट्स के साथ देखी है, एंड इसका यही रीज़न है कि आपने अपने मेटा टैग के अंदर सही से लैंग्वेज नहीं दी होती है। अगर आपकी साइट हिंदी में है तो आपको यहाँ पर हिंदी भी मिल जाएगी, अगर आपकी साइट बंगला में है तो आपको बंगला भी मिल जाएगी, अगर आपकी साइट किसी और इंडियन लैंग्वेज में है लाइक गुजराती हो गया, लाइक यहाँ पर और भी लैंग्वेजेस होंगी इंडियन, एंड अगर आपकी साइट उनमें है तो डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए ताकि गूगल आपके कॉन्टेंट को अच्छे से रीड कर सके एंड प्रॉपरली जो आपकी ऑडियंस है उस तक वो कॉन्टेंट दिखा सके। तो मेरी साइट यहाँ पर इंग्लिश में है तो मैं इसको एज इट इज ही छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट अगर किसी और कंट्री में देखी जा रही है, किसी और रीजन में देखी जा रही है, एंड वहां पर आप चाहते हो कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो हो, तो आप यहां पर एनेबल कर सकते हो ट्रांसलेशन को, और कौन सी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन चाहते हो वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी सेटिंग के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको सारे यूज केसेस बता दिए। उसके बाद आपको यहां पर टाइम जोन पूछ रहा है, तो यहां पर भाई कोई भी बंदा चेंज नहीं करता है, एंड आपने भी नहीं किया होगा होपफुली, अगर किया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कौन से बंदे समझदार हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो यहां पर हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चूज करना है, क्योंकि भाई हम इंडिया के वासी हैं, एंड हमें बताना है गूगल को कि भाई हमारा जो टाइम जोन है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो बाकी यहां पर डिटेल्स हैं ये सभी आपके यूआई पर डिपेंड करता है कि आप कैसा यूआई चाहते हो अपने यूजर्स को दिखाना, तो वो चीज आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको कैसा हेडर का फॉर्मेट चाहिए, आपका टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपके कमेंट के टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो सभी यहां पर आपको मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, उनको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर डायरेक्टली सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं, एंड आपके इस पेज की सेटिंग्स भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मेरा कोई भी भाई नहीं करता है, जिसकी वजह से उनकी साइट गूगल पर इंडेक्स नहीं हो पाती है, दैट इज सर्च प्रेफरेंसेस। इस पेज की सेटिंग्स के थ्रू हम गूगल को बताते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट जो सर्च इंजन्स हैं उन्हें बताते हैं कि भाई हमारी साइट भी कहीं पर एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर अगर आपने चेंजेस नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आपकी साइट बहुत बेकार रहेगी एसईओ वाइज। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। जो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर आती है डिस्क्रिप्शन। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं लिख सकते तो जो आपने पहले डिस्क्रिप्शन लिखी थी आप वही यहाँ पर पेस्ट कर दो। अगर आप कुछ क्रिएटिव डाल सकते हो तो यहाँ पर भी आपको फोकस कीवर्ड को डालकर अपनी अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इस डिस्क्रिप्शन की जो मैक्सिमम लेंथ है दैट शुड बी 150 करेक्टर्स, यहां पे गूगल भी बता रहा है। एंड हमारी अगर वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो उसमें भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसे हमें 150 करेक्टर्स के बीच में ही रखना पड़ता है। और इस चीज के लिए, बस इस सिंपल सी चीज के लिए लोग योस्ट एसईओ जैसे प्लगइन्स खरीदते हैं महंगे महंगे, ताकि उन्हें यह चीज याद रहे कि भाई 150 ही करेक्टर डालने, और वो जो प्लगइन है वो बस उन्हें इतना ही बताता है कि भाई आपका जो फोकस कीवर्ड है वो इतना है, एंड आपका जो इसका लेंथ है ये बढ़ चुका है या कम हो चुका है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। आपको बस 150 लेंथ ही रखनी, क्योंकि गूगल ही इतना अलाउ करता है, गूगल इससे ज्यादा शो भी नहीं करता आज के टाइम पे। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको जस्ट सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन की सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है दैट इज एरर एंड रीडायरेक्शन। यहां पर जब भी आपकी साइट पर हमें कोई डेड लिंक मिलेगा वो चीज वहां पर 404 नॉट फाउंड आना चाहिए, या फिर आपका कोई कस्टम पेज आना चाहिए। जैसे बहुत सारे मेरे भाई मुझे पूछते हैं कि सर अगर मेरा एम्प्टी पेज है वहां पर सर मुझे कुछ ऐसी बेकार सा पेज आ जाता है, कभी एनजीएनएक्स वाला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी एरर आ जाती 404 वाली गूगल वाली, तो वो चीज को मैं हटाना चाहता हूं, तो उसकी सेटिंग भाई यहां पर होती है। उसके लिए आपको एक कस्टम रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। कस्टम रीडायरेक्ट करने के लिए आपको यहां पर एडिट पर क्लिक करना है। अब यहां से पूछा जा रहा है कि भाई आपको कौन से लिंक को कहां पर रीडायरेक्ट करना है। सपोज मेरी ये साइट है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं, एंड यहां पर मेरा ये जो ब्लॉग पोस्ट डली हुई है ये वाली, अब ये वाली सपोज पोस्ट आज के दिन पर है एंड ये गूगल पर भी इंडेक्स हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस, एंड ये पोस्ट फ्यूचर में कभी डिलीट कर देता हूं मैं खुद ही, एंड अब यहां पर गूगल से ट्रैफिक जब आता है तो वो चीज अब 404 नॉट फाउंड आती है। एक बार मैं आपको 404 नॉट फाउंड दिखाई देता हूं,
तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस टेम्पलेट के लिए यहाँ पर 404 का ये पेज है, बट आप चाहते हो कोई भी बंदा अगर एक 404 पेज पर आए तो उसे ऐसे ब्लैंक कंटेंट ना दिखे, उसे एक पर्टिकुलर पेज दिखे जो आप चाहते हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका URL कॉपी कर लेना। बस आपको यहाँ पर ये URL के जस्ट आगे वाला जो हमारा पाथ है इसे हम कॉपी करेंगे, सिर्फ पाथ को कॉपी करना, इस चीज को ध्यान रखना कि बाकी का URL इसने यहाँ पर डॉट डॉट में डाल के रखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर पाथ डाल दूंगा। एंड अब आप इसे रीडायरेक्ट कहाँ पर करना चाहते हो, सपोज मैं इस पर्टिकुलर लिंक को, मैं ये जो हमारा पोस्ट वाला लिंक था मैं यहां पर डालना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा ये लिंक है वो सपोज इसके इंटरलिंकेबल है। आई होप कि आपको मेरी चीजें समझ आ रही होंगी। यहां पर आपको बस इसे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर परमानेंट पर क्लिक कर देना है, एंड इससे जो हमारा रीडायरेक्ट होगा ये 301 रीडायरेक्ट होगा। जैसे ही हमने ये सब कुछ सेट कर दिया उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे, एंड सेव पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पर क्लिक करते ही जो हमारा URL है वो सेव हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको एक बार लाइव प्रूफ दिखा देता हूं कि हमारा रीडायरेक्ट काम कर रहा है या नहीं, तो हम यहां पर अपना जो लिंक है वो पेस्ट कर देंगे। अब ये जो लिंक पहले था ये 404 दिखा रहा था, अब मैं इसे लोड करके दिखाता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो हमारा लिंक है ये हमारी पोस्ट पर रीडायरेक्ट कर गया है। आपको उन्हीं पोस्ट को रीडायरेक्ट करना है जो इंटरलिंकेबल है। सपोज आपकी एक पोस्ट थी बदमाशी स्टेटस 2020 पर, अब जब 2021 आ जाता है आपने कोई न्यू पोस्ट लिखी है एंड आप चाहते हो कि जो 2020 वाले लिंक्स हैं वो 2021 पर रीडायरेक्ट कर जाएं, तो उसके लिए आपको 2020 का लिंक हमें फ्रॉम पर देना है, 2 पर हमें न्यू 2021 का लिंक देना है, एंड उसके बाद हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा। इंटरलिंकेबल कंटेंट को रीडायरेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो रहता है, ऑडियंस को ऐसा नहीं लगता कि मैंने क्लिक तो कहीं किया था एंड जहां मैं कहीं पे रहूं, देखना तो वो चाहता था एप्पल लैपटॉप का रिव्यू, दिखा आप उसे MI के फोन का रिव्यू रहे हो, तो इस चीज को आपको बस दिमाग में रखना है एंड बाकी कुछ नहीं। तो गाइस उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट सेटिंग आती है वो आती है गूगल वेब मास्टर की सेटिंग। आपको अपनी साइट को गूगल वेब मास्टर पर एड करना है ताकि गूगल को पता चल जाए कि आपकी साइट लाइव हो चुकी है एंड आप चाहते हो कि गूगल आपकी साइट को इंडेक्स कर सके। उसके लिए आपको डायरेक्टली खोलनी है गूगल वेब मास्टर एंड वहां पर अपने जीमेल से लॉग इन कर लेना है। जीमेल से लॉग इन करने के बाद आपको यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पर आपको एरो का ऑप्शन दिखेगा, एरो पे क्लिक करते ही आपको यहां पर ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद हम ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करते ही आपसे यहां पर डोमेन नेम पूछेगा, तो डोमेन नेम आपको ऑलरेडी यहां पर मिल जाएगा ब्लॉग एड्रेस पर। अगर आप एक कस्टम डोमेन यूज कर रहे हो जैसे मैंने पहले बताया था तो आपको अपना कस्टम डोमेन ऐड करना है, अगर आप blogspot.com डोमेन यूज कर रहे हो तो आपको उसे यहां पर ऐड करना है। जैसे ही आप यहां पर डोमेन सही से दे दोगे, अगर आपका यहां पर ट्रेलिंग स्लैश नहीं होगा तो आपको यहां पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो एक्टिव मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ये खुद ही इसको वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई आपकी जो साइट है वो अवेलेबल है एंड आपकी ही ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम गो टू प्रॉपर्टी पर जाएंगे एंड जो हमारी साइट है वो ऐड हो चुकी है गूगल वेब मास्टर के अंदर। एंड अब गूगल को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको हमारी साइट को ऐड करना है, गूगल को पता चल गया कि kingbadmashistatus.blogspot.com कहीं पर अवेलेबल है एंड जब भी गूगल को टाइम मिलेगा वो आपकी साइट को आकर इंडेक्स कर देगा। तो गाइस गूगल वेब मास्टर हमने ऐड कर दिया है, अब उसके बाद हमारा जो कस्टम robots.txt है हम इसे एडिट करेंगे। यहां पर आपको नो का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको यस कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक टेक्स्ट कॉपी करना है, ये टेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर ये जो yourblog.com दिया हुआ है यहां पर आपको चेंज करना है जो भी आपके डोमेन का URL है। अगर आप कस्टम डोमेन यूज कर रहे हो तो आपको कस्टम डोमेन डालना है, अगर आप blogspot.com यूज कर रहे हो तो आपको blogspot.com का URL यहां पर डाल देना है। एंड इसके साथ आप यहां पर SSL भी डाल सकते हो अगर आपने अपनी साइट का SSL ऑन किया हुआ है। एंड यहां पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने और इसके बाद आपको जस्ट सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। ये टेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से कॉपी कर लें, कोई भी चीज अपने हिसाब से ना लिखें क्योंकि कुछ भी गलत हो गया तो आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे बोलोगे एंड फिर मैं बोलूंगा कि भाई वीडियो देखो, तो पहले ही वीडियो ध्यान से देख लो आप। एंड इसके बाद आपको बोल रहा है भाई कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, तो यहां पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर करने के बाद आपको यहां पर यस करना है एंड यस पे करने के बाद आपको यहां पर ऑल नो डीपी एंड इसके बाद आपको नो इंडेक्स नो डीपी उसके बाद आपको ऑल एंड नो डीपी कर देना है एंड इसके बाद आपको सेव चेंजेस करना है। आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको कर देना है। पहले से ये सेटिंग्स आ रही हैं, आपको भी इन्हीं सेटिंग्स को आगे लेकर चलना है, तो आप डायरेक्टली इसको बिना देखे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करके आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दो। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं, नो डीपी क्या है, हम इंडेक्स किस चीज़ को करवा रहे हैं किसको नहीं करवा रहे हैं, तो वो चीज़ आप गूगल पर सर्च करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे बढ़ा सकते हो। इसके बाद
बाद आपको कस्टम एड्स डॉट टीएक्सटी को ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप अपनी साइट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडसेंस ने इस चीज को अभी मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपको एडसेंस से मोनेटाइज करना है एंड अगर आपको गूगल की एड्स दिखानी है अपनी साइट पर तो आपको एड्स डॉट टीएक्सटी फाइल ऐड करनी पड़ेगी। उसको आप सिंपली यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर येस पर करने के बाद आपको जो कॉन्टेंट एडसेंस के पेज पर मिलता है वो एक पूरी आईडी सी मिल जाती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो चीज आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सेव चेंजेस करोगे तो आपका जो ads.txt वो भी ऐड हो जाएगा। इस पेज के हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी अदर सेटिंग्स है इसका मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा कि भाई कौन सी चीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जब मुझे एडसेंस के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। कभी भी आप अपनी साइट को बैकअप करके किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हो, सपोज आपकी webbees.in साइट थी एंड आप वही सेम कंटेंट को उठाकर gplbees.com में डालना चाहते हो, डिट्टो वर्ड टू वर्ड आप यहां से उठा के वहां पर डालना चाहते हो, तो ब्लॉगर यहां पर आपको फुल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। आप यहां पर बैकअप कंटेंट पर क्लिक करके अपना जो कंटेंट है उसको बैकअप कर सकते हो। सारी आपकी जो पोस्ट है, कंटेंट है, रिटन कंटेंट, इमेजेस, सब कुछ डाउनलोडेबल एक XML फाइल में हो जाएगा एंड उस फाइल को आप न्यू ब्लॉग पर जाके इंपोर्ट कंटेंट करेंगे तो वहां पर आपकी सारी जो पोस्ट, थीम, जो कुछ भी है वो सब वहां पर चले जाएगा। एंड कभी ऐसा भी नीड होता है कि आपको अपनी जो पोस्ट है उसको डिलीट कर देनी है, सपोज आपने अपनी डोमेन किसी को बेच दी है एडसेंस अप्रूवल के बाद, तो उसके लिए आपको अपना ब्लॉग जो है वो डिलीट करना पड़ता है या नीड होती है, तो उसके लिए आप यहां पर डायरेक्टली क्लिक करके अपने ब्लॉग को डिलीट कर सकते हो ताकि जितनी भी आपकी पोस्ट है वो इंडेक्स से हट जाए एंड जो भी आपका कंटेंट था वो हट जाए गूगल से। तो इसके लिए ये चीज बेस्ट है, तो इस चीज की भी आपको फ्यूचर में नीड पड़ सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बाकी चीजें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज गूगल एनालिटिक्स को अगर आप अपनी साइट के साथ ऐड करना चाहते हो तो यहां पर आप गूगल एनालिटिक्स का जो आईडी है वो यहां पर अगर आप एंटर कर दोगे तो जो आपकी साइट है वो ऐड हो जाएगी गूगल एनालिटिक्स पर। गूगल एनालिटिक्स पर कैसे अपनी साइट को ऐड करना है वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आई बटन में ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लो उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेटिंग मिलती है दैट इज यूजर सेटिंग्स। यूजर सेटिंग में आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड सेटिंग्स हैं, आप कैसी अपनी प्रोफाइल चाहते हो, क्या क्या चीज शेयर करना चाहते हो, क्या क्या नहीं शेयर करना चाहते हो, क्या नेम दिखाना चाहते हो, वो सब यहां पर है। ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आप देख सकते हो, इसका मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इंपैक्ट है। अगर आप अपनी साइट को एज अ ब्रांड इवॉल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लोगो भी लोग ध्यान में रखें या उनके दिमाग में रहे, तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी साइट की ब्रांडिंग करना चाहते हो तो यहां पर आप अपनी जो प्रॉपर इमेजेस हैं, प्रॉपर जो आपके ब्रांड के नेम्स हैं, वो डालकर आप अपनी यूजर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो एंड इसे अपडेट कर सकते हो, तो ये चीज का बस उतना ही काम है। अगर आप बस ऐसे ही अपना नेम वेम ही एडिट करना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। वो सब चीजें एडिट करने के बाद आपको बस यहां पर सेव सेटिंग पर करना है एंड आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। तो गाइज ये थी वो सेटिंग्स जो कि ब्लॉगर पर आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आप अपनी साइट को हायर पोजीशंस पर रैंक करवाना चाहते हो। यहां पर शायद कोई और सेटिंग मुझसे मिस हो गई होगी, अगर हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था, मेरे लिए ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि भाई मैं क्या बता रहा हूं एंड क्या मैंने छोड़ दिया। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उस पर एक डेफिनेटली अलग से वीडियो ले आऊं। ये वीडियो तो था कि भाई आप अपनी साइट की SEO ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो एडवांस लेवल की, जो कि हर ब्लॉगर को करनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है दैट इज ऑन पेज SEO, एंड ऑन पेज SEO भी एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं अपनी साइट्स की ऑन पेज SEO करता हूं ताकि आप भी अपने ब्लॉग की जो पोस्ट है उन्हें अच्छे से SEO ऑप्टिमाइज कर सकते के, वो भी फ्री में, कोई आपको पैसे नहीं देने, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आपको ऑन पेज SEO पर एक वीडियो चाहिए और मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊंगा आपके रिस्पांस को देखते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहां तक देख लिया है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार शक्ल नहीं मेरी देख रहे हो लेकिन वीडियो मेरी देख रहे हो एंड जानना चाहते हो कि भाई मैं कौन कौन से कंटेंट और डालता हूं, तो मेरे चैनल को आप देख सकते हो और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूं ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड, SEO रिलेटेड एंड जो हमारी ऑन पेज SEO रिलेटेड वीडियो आने वाली है उसके रिलेटेड, तो सब्सक्राइब तो करना ही, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।